मेरे शीट में जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल मिसमैच है जो आपकी फाइल में है। फाइल का काम किससे करा कर आए हो? मैम आपने बिल्कुल अंधे बन के इसका फाइल चेक कर दिया। हाँ बोलो। रोल नंबर 4, कौन सा एक्सपेरिमेंट मिला है? ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ। बेटा डेफिनेशन मांग रही हूँ ओम्स लॉ की, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं मांग रही हूँ। वी इज इक्वल टू आई आर क्या होता है? आजकल 12th के बच्चों को ओम्स लॉ बोलो, वी इज इक्वल टू आई आर, न्यूटन सेकंड लॉ बोलो, एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं, आप मैथमेटिकल रिलेशंस बता रहे हो। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन इज 0। बोलो कैसे होगा ये सॉल्व? बेटा लगे रहो रेगुलर मेथड से, जब तक इंटीग्रेट नहीं करोगे ये सॉल्व ही नहीं होगा। ये डेरिवेशन बिना इंटीग्रेशन के होती नहीं है। नहीं कराया होगा ट्यूशन टीचर ने क्वेश्चन, स्कूल में तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। नहीं बेटा आपको लेना ही नहीं आ रहा रीडिंग, आपने गैल्वेनोमीटर ही गलत जगह लगा रखा है, कैसे रीडिंग आएगा? और आप ये रटा मार कर आए हो ये रीडिंग्स, आप समझते हो टीचर्स बेवकूफ हैं? बोलो बेटा, कोई चैप्टर तो आता होगा, कुछ तो तैयार किया होगा बेटा।